अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.9 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.8 में एचसीएफ निकालना सिखाया था बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, यहां पर आप जो है वो डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। चूंकि डिवीजन मेथड से है इसलिए आपने इसको इस तरीके से लिखना है। और देखिए एक्सप्रेशन जो आप जो यहां पे पिक करेंगे या चूज करेंगे, यहां रखने के लिए और यहां रखने के लिए, ठीक है, अंदर और बाहर रखने के लिए जो आप एक्सप्रेशन जो है वो यहां से पिक करेंगे, तो किस तरीके से करनी है आपने, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो दोनों आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स हैं, आपने इन दोनों का फर्स्ट टर्म देखना है। ठीक है, जहां आपको हाईएस्ट डिग्री नजर आएगा वो हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल आप अंदर रखेंगे और जो उससे लो होगा वो आप बाहर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो इनको अंदर और बाहर रखना है एक्सप्रेशन को। उसके बाद आपने बिल्कुल इसी तरीके से रफ कॉलम में इसको परफॉर्म करना है। ये एक्स फोर आपने ऊपर रख दिया, एक्स क्यूब से आपने जो है वो उसको डिवाइड करना है। तो कैंसिल होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आपने यहां रख दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यू से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पूरे एक्सप्रेशन को। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x4 माइनस एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपने इसको यहां पे रखना है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस हो गए। अब आप जो यहां पे लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये मजीद आगे इसी तरीके से कंटिन्यू नहीं रहेगा, आपने यहां पे इस चीज को थोड़ा सा समझना है या थोड़ा सा डिफरेंस है ये पिछले डिवीजन और इस डिवीजन में वो क्या चीज है, क्योंकि आप एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहां पर यह सब करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, तो गौर से इस चीज को समझिएगा। अब देखिए यहां पे आपके पास ये जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, यहां पे आ रहा है एक्स क्यूब, यहां आ रहा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर 1। ठीक है, वाई इसके साथ अटैच है बट हम एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां एक्स की पावर है 1 और ये है एक्स की पावर क्यूब। तो थोड़ा सा हम इसको यहां पर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे या थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे गौर से देखते रहिएगा हर स्टेप को। देखिए यहां पर आपके पास इस दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में आपके पास y मौजूद है, यहां पे है 3 और यहां पर है 4। तो लीस्ट पावर आपने कॉमन ले ली थोड़ा सा, यानी कि हमने इस टर्म को रिड्यूस कर लिया। ये देखिए यहां से आपके पास y क्यूब बाहर चला गया, आपके पास x बच गया, ये आ गया बीच में माइनस साइन, यहां से y 3 कॉमन चले गए, एक y आपके पास बच गया। ठीक है, अब जब आप इस चीज को इस तरीके से रिड्यूस, देखिए अगर यहां पर x की पावर इतनी होती, सपोज यहां पर x की पावर 3 होती, गौर से एक चीज को देखिएगा, अगर यहां पर x की पावर 3 होती तो हम इसे मजीद डिवाइड करके कंटिन्यू करते। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके पास ये सब सॉल्व करने के बाद जो टर्म आपके पास आएगी या जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, उसमें आपने इस चीज को देखना है फर्स्ट टर्म को दोबारा से, कि ये इससे डिवाइड होने के काबिल है या नहीं, ये इतनी बड़ी है कि नहीं, ये इससे डिवाइड हो सकती है या नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये डिवाइड नहीं हो रही और अगर यहां से कुछ रिड्यूस हो सकता है, तो आपने इस तरीके से जो है उसको रिड्यूस करना है कॉमन लेकर। जैसे ही आप यहां तक पहुंच गए, अब आपने क्या करना है, ये देखिए कॉमन लेने का आपको यहां पर ये फायदा होगा, दोबारा इस तरीके से आपने डिवीजन यहां पर परफॉर्म करना है। अब जो आपका फैक्टर बनेगा वो एक्स माइनस वाई बनेगा, जो डिवाइजर बनेगा। ठीक है, ये जो y क्यूब होगा आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कॉमन इनमें से लिया है हमने, ये इनका कॉमन नहीं है, गौर से देखिएगा, आप इस चीज को जो है वो निग्लेक्ट कर देंगे। जो भी चीज आप यहां से एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं, कोई कोफिशियंट हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, आप उसको जो है वो निग्लेक्ट कर देंगे और ये आपको अपना डिवाइजर मिल जाएगा नया। और ये चीज क्या हो जाएगी,
अब आपने इस चीज को जो है वो अंदर ले लेना है। ठीक है, आपने इन दोनों पे स्टार्टिंग में डिवीजन परफॉर्म किया। ठीक है, जैसे आपने डिवीजन परफॉर्म किया, आपके पास जो रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर में आपने अपनी फर्स्ट टर्म को देखा, वो लीस्ट थी इस डिवाइजर से। आपने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो ब्रैकेट आ गया, अब आपने क्या कर दिया, उस ब्रैकेट को एक डिवाइजर के तौर पे यूज कर लिया यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन जो है या फर्दर डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आपने इसको एज अ डिवाइजर यहाँ पे ले लिया, और ये जो आपको यहाँ जो फर्स्ट डिवाइजर नजर आ रहा था, ये अंदर चला जाएगा टर्म पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो उसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको भी डिवाइड करना है यहां पर। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को आपने यहां रखना है। ठीक है, अगेन आगे सेम प्रोसीजर है, एक्स स्क्वायर से आपने एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आपने इसको भी इसी तरीके से यहां पे लिखना है, एक्स क्यूब यहां आ जाएगा, ये अनलाइक है तो आप इसको यहां पे लिख देंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखें, ये चीज जो है वो इस डिवाइजर से बड़ी है। यहां पे x की पावर क्या है, 2, और यहां पर क्या है, 1। मीन्स के ये इससे डिवाइड अभी हो सकता है, तो हम इसको यहां पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, कैंसिल होने के बाद आपके पास जो आ गया वो नंबर है एक्स वाई प्लस का, इसी तरीके से आप उसको यहां पे जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एक्स वाई से अगेन आपने इसको जो है वो एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को भी उठा के आप यहां रख देंगे। ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। अब ये देखें, यहां पर एक्स की पावर क्या है, 1, और यहां पर भी एक्स की पावर क्या है, 1। अगर सेम भी हैं आपके पास तो डिवीजन का चांस है। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर भी एक्स की पावर 1 है, यहां पर भी एक्स की पावर 1 है, तो कोई मसला नहीं है, ये आगे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया रिजल्ट वाई स्क्वायर। यह आ गया आपके पास वाई स्क्वायर ऊपर, वाई स्क्वायर से आपने एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन जा वाई क्यूब। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो यहां प्लेस करना है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका रिमाइंडर जैसे ही जीरो हो गया, मींस आपने जो है वो सवाल को सॉल्व कर लिया, तो ये यहां क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट में, हिंस अवर Required HCF is, ये देखिए वो आपका डिवाइजर जिससे आपका रिमाइंडर जीरो आया हो, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जहां जिस डिवाइजर को रखने से आपका रिमाइंडर जीरो आएगा, वो आपका रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको इस एक्सरसाइज के हवाले से या क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से जो भी आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।